बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाना देना पड़ता है। तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना, जहां नियत साफ है वही भगवान। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर जब भारी भगवान राम चाहते तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया। देश की जो मौजूदा स्थिति है जहां संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से लोग ईडी और सीबीआई बांटना घुसा देता है। अब तो लोग थक चुका है, अरे हम तो बचपने से ना देख रहे ईडी और सीबीआई, क्या होने वाला है, कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो सांच को आंच किस बात का, हम लोग लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे। लेकिन हमारा लड़ाई कोई मोदी जी से नहीं है, कोई अमित शाह जी से नहीं है, हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ना था। हम यही पूछ रहे हैं ना भाई कि मोदी जी आपने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में देंगे, कहां गया? यही पूछ रहे हैं? आप काला धन ला करके जो इनकम टैक्स भर देता है उसको आप कह रहे थे कि वही काला धन लाएंगे तो सबको हम जो है बांटने का काम करेंगे। काहे नहीं आया काला धन? और आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों मेहुल चौकसी, कौन कौन नीरव मोदी, ललित मोदी देश छोड़कर के भाग गया? आपके रहते हुए आप चौकीदार थे, ये चौकीदार तो चकमा देकर के लोग कैसे भाग गया भाई? और क्या क्या लेके भागा, बैंक में लूट के भाग गया, पूरा बैंक तो कंगाल कर दिया, हजारों हजार करोड़ का लोन उठा करके भाग गया। इसका पैसा आपका पैसा? अगर पूछो, अगर ये सवाल हम पूछते हैं तो क्या गलत करते हैं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मोदी जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? बोले थे। अगर यही बतवा हम पूछ रहे, मोदी जी बताइए कि आप 2 करोड़ रोजगार दीजिएगा हर एक साल, अब तो रेलवे में सब बैठा दिया, सबका निजीकरण कर दिया, रेल सेल भेल सब बेच दिया, जहां बेचना था बेचे, जो करना है कर ही रहे, लेकिन लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अब उस पर हम क्या कर सकते। लेकिन आप सबको जागना पड़ेगा, आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाना देना पड़ता है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल उठाते, ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है, जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से भी माफ कर दिए, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना, जहां नियत साफ है वही भगवान। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए,
भगवान न्याय भगवान कितना आपने बाप दादा पर दादाओं से जाके पूछो कि मोदी जी लाए हैं तब से चल रहा है। इन लोगों में है कि भगवान भी देवेंद्र जी बोल रहे थे भगवा झंडा क्यों हमारा हरा भी है नीला भी है उजला भी है काला भी है हमारा भगवा भी है। कौन है भाई कौन है भगवा इनका देन है क्या हमारे तिरंगा में है भगवा हरा है लेकिन हरा लेके घूमेगा तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए और मोदी की बात नहीं मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी जो है हर जगह केवल भाषण ही नहीं देते हैं भाई अरे भाषण के अलावा कुछ किए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे सुखी रहे संपन्न रहे यही ना चाहते भाई। तो सुखी संपन्न खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा शिक्षा की व्यवस्था होगी चिकित्सा की व्यवस्था होगी तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई बात समझना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर जब भारी मार्केटिंग किया जाता है बताओ ये मीडिया के लोग हैं आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर पाकिस्तान कश्मीर हिंदू मुसलमान जब मीडिया वाला आएगा तो तीन चीज के अलावा कुछ पूछता ही नहीं उनके बारे में। एक वो पूछेगा मंदिर मस्जिद के बारे में एक वो सवाल करेगा ईडी का छापा के बारे में और कुछ नहीं लेना देना। अरे भैया जागिए दुख दर्द लोग हमारे में कमी है हमारी कमी दिखाओ और हम लोगों की कमी क्या है आप तो बना करके हम लोगों का कमी दिखाते हैं लेकिन उनकी कमी को छुपा करके जो नहीं भी करते हैं भगवान राम का दर्जा मोदी जी को लोग दे दिया मतलब कल के पुरुष के वही राम है इस हिसाब से दिखाया जाए। बताओ मोदी जी इस हिसाब का उपकार करें कि राम जी को मोदी जी का जरूरत है भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते तो अपना नहीं बनवा लेंगे हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिए महल बनवा दिए मंदिर बनवा सब बेकार की बात। श्रद्धा होनी चाहिए दिल में होनी चाहिए मन में होनी चाहिए नियत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे पाप करते रहेंगे और राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे। बात समझने की जरूरत है। नेकी काम कीजिएगा भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद इन सबसे बचने की जरूरत है। ये देश सबों का देश है सबों का कुर्बानी रहा है इस देश में आजाद करने में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जय हिंद का नारा साइमन गो बैक का नारा ये सब कौन लोग दिया था भाई सब मुसलमान थे। ये बात समझने की जरूरत है। यहां लोगों के मन में घृणा पैदा की जाता है एक खास वर्ग के प्रति